आज के दिन दोपहर के 10:45 पर वैज्ञानिकों ने फिर से चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर से संपर्क बनाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी विक्रम लैंडर की ओर से कोई भी जवाब नहीं आया। साथियों, आज की इस वीडियो में आपको कुछ नया बताने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। 4 सितंबर के दिन चांद पर घनी रात होने से पहले इसरो ने चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान को गहरी नींद में सुला दिया था, और यह उम्मीद दिखाई थी कि 22 सितंबर के दिन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जैसे ही सूर्योदय होगा तभी विक्रम और प्रज्ञान फिर से जाग सकते हैं। शुरू में ऐसी सिचुएशन बन गई थी और हमारे वैज्ञानिकों को कल तक के डेटा के अनुसार 100% विश्वास भी था, इसलिए हर भारतीय की नज़र चंद्रयान 3 पर बनी हुई थी। लेकिन इस वक्त इसरो की तरफ से एक ऐसी खबर आ रही है जो सुनकर हर भारतीय के चेहरे पर मायूसी छा गई है और हमसे नफरत करने वाले चीन और पाकिस्तान में खुशी का माहौल बन गया है। तो आखिर विक्रम और प्रज्ञान के साथ 16 दिनों में क्या हुआ? क्या भारत माता की ये दोनों वीर फिर से नींद से जाग पाएंगे, या फिर हमेशा चांद पर भारत की विजय के प्रतीक बनकर पड़े रहेंगे? जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें। साथियों, 23 अगस्त के दिन चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करके विक्रम लैंडर ने इतिहास रच दिया, जिसके बाद 14 दिनों के रिसर्च में लैंडर विक्रम और प्रज्ञान रोवर ने हमारी उम्मीद से ज्यादा काम कर दिखाया, जिससे पूरी दुनिया में भारत का डंका बजने लगा था। लेकिन फिर भी चांद पर पानी की खोज नहीं हो पाई थी। इसी बीच इसरो के वैज्ञानिकों के दिमाग में एक आइडिया आया और उन्होंने देशवासियों के सामने यह उम्मीद दिखाई थी कि 4 सितंबर को चांद पर रात होने से पहले हम विक्रम और प्रज्ञान को सुला तो जरूर देंगे। लेकिन जैसे ही 22 सितंबर के दिन चांद पर दूसरी सुबह होगी तभी ये दोनों नींद से एक बार फिर से जाग सकते हैं और अपने रिसर्च में को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अब 22 सितंबर आते ही इसरो ने एक ऐसी खबर दी है जो सुनकर आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। दरअसल 4 सितंबर को विक्रम और प्रज्ञान को सुलाने के पहले इनकी बैटरी फुल चार्ज की गई और रिसीवर को भी चालू रखा गया था, ताकि 22 सितंबर के दिन जब मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स से इन्हें सिग्नल भेजे तो ये उसे रिसीव करके उनके उपकरणों को फिर से चालू कर सकें। लेकिन 20 तारीख को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सूरज ने रोशनी की पहली किरण फेंकी और चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट यानी शिव शक्ति पॉइंट पर फिर से उजाला किया, जिसके बाद इसरो ने 2 दिन इंतजार किया ताकि विक्रम और प्रज्ञान के सोलर पैनल्स काम करना शुरू कर दें, और 22 सितंबर की सुबह इसरो की हेड ऑफिस से विक्रम को पहला सिग्नल भेजा गया, लेकिन विक्रम की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। तो चांद पर पहले सन्नाटे को देखकर इसरो की हेड ऑफिस में हड़बड़ी मच गई और सभी वैज्ञानिक सन्न में पड़ गए कि आखिर विक्रम को हुआ क्या है, और उससे संपर्क साधने के प्रयास करने लगे। इसके लिए फिर एक बार चांद की कक्षा में घूम रहे प्रोपल्शन मॉड्यूल के जरिए विक्रम को सिग्नल भेजा गया, लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। फिर तीसरी बार चांद की परिक्रमा कर रहे चंद्रयान 2 के आर्बिटर के जरिए सिग्नल भेजा गया, लेकिन इस बार भी कोई रिप्लाई नहीं आया है। इसी तरह इसरो के वैज्ञानिक बार बार प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर से संपर्क साधने की कोशिश करते रहे, लेकिन चांद पर सन्नाटा छाया हुआ था। साथियों, यह देखकर इसरो के वैज्ञानिक मायूस हो गए और बड़े ही भारी दिल से उन्होंने ट्वीट करके देशवासियों को यह बुरी खबर दी। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के साथ संचार स्थापित करने के प्रयास किए गए हैं ताकि उनकी जागने की स्थिति का पता लगाया जा सके, मगर फिलहाल उनकी ओर से कोई संकेत नहीं मिले। हालांकि संपर्क स्थापित करने के प्रयास जारी रहेंगे। ऐसा हो सकता है कि प्रज्ञान और विक्रम के उपकरण फिर से चालू होने की कंडीशन में हो, लेकिन हमारा सिग्नल उन तक नहीं पहुंच रहा है। फिर भी अगर उनकी कंडीशन सामान्य होती है तो उनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम अपने उपकरणों को खुद चालू कर सकता है। फिलहाल यह खबर सुनते ही पूरे देश में सन्नाटा छा गया है। हर देशवासी ऊपर वाले से यही प्रार्थना कर रहा है कि किसी तरह विक्रम हमारी बात सुन लें और एक बार फिर से अपनी आंखें खोल दें। हालांकि दोस्तों, हम आपको फिर से याद दिलाना चाहेंगे कि चंद्रयान 3 ने उम्मीद से ज़्यादा एडवांस परफॉर्म किया है
और जाते जाते भी विक्रम लैंडर ने एक बार फिर उड़ान भरकर चांद पर दूसरी बार सॉफ्ट लैंडिंग करके इतिहास रच दिया। इसलिए ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अगर विक्रम और प्रज्ञान फिर से नहीं जाग पाए तो भी इस मिशन में हमें 100% सफलता मिली है और हम सभी को इसरो के वैज्ञानिकों की मेहनत और लगन की तारीफ करनी चाहिए। साथ ही इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़े रहना चाहिए, क्योंकि हमें तो सिर्फ ये खबर जानकर ही इतना बुरा लग रहा है। तो जरा सोचिए कि वैज्ञानिकों ने इस पर दिन रात मेहनत की है, उनको कितना दुख पहुंचा होगा। साथ ही यह बात तो आप भी जानते होंगे कि विक्रम और प्रज्ञान फिर से जागने के लिए डिजाइन ही नहीं किए गए थे, क्योंकि चांद की रात इतनी भयानक होती है कि किसी भी उपकरण का वहां की रात में 14 दिन टिकना मुश्किल है। और इंसानों की बात करें तो बिना प्रोटेक्शन के हम तो वहां 14 मिनट भी नहीं टिक पाएंगे। तो आखिर चांद पर रात में ऐसा क्या होता है जिसके कारण आज तक किसी भी देश ने चांद पर रात में मिशन नहीं भेजा? और पिछले 14 दिनों में क्या हुआ था विक्रम और प्रज्ञान के साथ, आइए जानते हैं। सबसे पहले 5 सितंबर से ही चांद पर घना अंधेरा छाने लगा और देखते ही देखते हर तरफ 5 सितंबर को अंधेरा हो गया। अगर आपको उसके पास खड़ा कर दिया जाए तो आपकी आंखों से उसे आप नहीं देख पाएंगे। अब सूरज की रोशनी ना रहने से सबसे बड़ा नुकसान था चांद की धरती का तापमान काफी ज्यादा घट जाना, क्योंकि चांद की रात 14 दिनों की होती है, यानी काफी ज्यादा लंबी होती है। इतने दिनों में वहां का तापमान लगभग -250 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच जाता है और इतने तापमान में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का टिक पाना नामुमकिन होता है। वैज्ञानिकों ने बताया कि अगर फिर से चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर ठीक भी हो जाता है तो वह पहले जैसे काम नहीं कर पाएगा और उसके कुछ इंस्ट्रूमेंट पहले से खराब हो चुके होंगे, केवल कुछ इंस्ट्रूमेंट कम कर पाएंगे। फिर भी वैज्ञानिकों ने जानकारी देते हुए बताया कि जब तक चांद पर सूरज निकला रहेगा तब तक चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर को सिग्नल भेजकर जगाने का प्रयास करते रहेंगे। आज के दिन भी जब वैज्ञानिकों ने संपर्क बनाने का प्रयास किया तो पहले की तरह ही आज भी विक्रम लैंडर की ओर से कोई भी सिग्नल प्राप्त नहीं हुआ। वैज्ञानिकों ने कहा कि इस समय चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर का तापमान भी काफी ज्यादा कम हो गया है, अब धीरे धीरे उसका तापमान बढ़ने लगा है। तो ऐसी आशा जताई जा रही है कि हो सकता है चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर किसी न किसी तरह दोबारा जाग जाए, लेकिन इसकी बहुत ही कम आशा मानी जा रही है। चंद्रयान 3 के दोबारा से जागने के लिए आपकी काफी ज्यादा दुआओं की जरूरत है, इसलिए आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में चंद्रयान 3 के जागने की दुआएं करते रहें। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके, और अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।